पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर के चलते लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शीतलहर से जहां दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है, वहीं सुबह शाम घना कोहरा लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। मुरादाबाद जनपद में शीतलहर के चलते कड़ाके की सर्दी हो रही है, जिसके चलते मंदिरों में भी अलाव जलाए जा रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त भगवान की मूर्तियों को कपड़े और शॉल ओढ़ा रहे हैं। मंदिरों में भगवान को ठंड ना लगे, इसके लिए हीटर भी लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिसंबर के महीने में इतनी कड़ाके की ठंड कई वर्षों के बाद देखने में आई है। वहीं मंदिरों में भगवान को सर्दी से बचाने के लिए कपड़े पहनाने और शॉल उड़ाने के पीछे मंदिर के पुजारी इसे भगवान को सर्दी से बचाने का कवायद बता रहे हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पंडित पृथ्वी शर्मा, श्री लाजपत नारायण मंदिर मुरादाबाद। यहाँ के आप महंत हैं? जी सर। क्या कहना है सर्दी पर, इस बार क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मंदिर में आप? काफ़ी वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में इतना भीषण जाड़ा पड़ा है, जिसकी वजह से हमें खुद जाड़ा महसूस हो रहा है, तो हमारे भगवान को भी जाड़ा महसूस होना चाहिए। इसके कारण हमने मंदिर में अलाव की, हीटर की व्यवस्था सॉल पर भगवान को अर्पित किए हैं। भक्तगण कैसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं इस तरह का आपने अनूठा प्रयास किया है? भक्तगण काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम भगवान के इतने अच्छा भगवान को समझ रहे हैं, भगवान हमें समझ रहे हैं। भक्तगण भी काफ़ी सहयोग करते हैं इसमें। इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है उत्तर प्रदेश में, आम जन प्रभावित है, तो भगवान से क्या आप अनुरोध करना चाहेंगे, विनती करेंगे आप? भगवान से तो हम यही अनुरोध करेंगे कि जितनी विशेष सर्दी इस समय पड़ रही है, हमारे को तो कुछ नहीं, जो गरीब लोग हैं हम तो उनके बारे में सोचते हैं, तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अब ऐसा इतनी सर्दी ना हो, कम से कम हो जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो चैन से रह सकें। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक शर्मा। जी विवेक जी, आज ये किस तरह का ये आप लोगों ने भगवान की मूर्तियों को शॉल उड़ाया है, क्या सोच के उड़ाया और क्यों उड़ाया? भैया देखो, परम पिता परमेश्वर की ये सारी व्यवस्था है, उसने हम पे ऐसी कृपा करी है कि उन्होंने हम पे हमें उत्तर प्रदेश ऐसे प्रदेश में जन्माया जहाँ पे हम चारों ऋतुओं का आनंद लेते हैं, बरसात का भी, जाड़ों का भी, गर्मी का भी। लेकिन इस समय जो ठंड सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, हमें महसूस हो रही है, लोगों को चलते हुए अलाव लगा रहे हैं, सरकार भी व्यवस्था कर रही है, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी व्यवस्था, जब प्रभु ऐसा कर रहा है तो जब इसी व्यवस्था में हम रह रहे हैं, इसी में प्रभु रह रहा है, तो हो सकता है प्रभु को भी थोड़ी सी ठंडी लगती हो, तो इस व्यवस्था में हमने प्रभु को जो है सोल समर्पित की है। पूजा अर्चना भी की जा रही है मंदिर में, तो अलाव की भी व्यवस्था है, हीटर भी जलाया जा रहा है, क्या है जी ये पर, ये सब व्यवस्था जो है परमात्मा को ध्यान में रखते हुए की, क्योंकि प्रभु हम सबको देख रहे हैं, हम सबकी समस्याओं का समाधान प्रभु कर रहा। हो सकता है कि जो करने वाला जो होता है, घर का बुजुर्ग होता है, जो घर का मुखिया होता है, वो बेचारा उससे अपेक्षित रह जाता है, और जो घर के सब परिवारों के लिए सबके लिए व्यवस्था करता है, तो हमने इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा हम पे कृपा करते हुए खुद ठंडी में ना रहे, इस कारण मंदिर के पुजारी जी प्रतीक शर्मा जी जो हैं, उन्होंने मंदिर में हीटर की और परमात्मा के लिए अलाव की व्यवस्था की। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।